हेलो स्टूडेंट्स, एसबीआई के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 5 के थर्ड लैंग्वेज में स्वर की मात्रा जानेंगे। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा ही है, बंगला में भी आप लोग जानते हैं अ की कोई मात्रा नहीं है। आ की मात्रा ये, या छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ये रही छोटी उ की मात्रा, बड़ी उ की मात्रा, ड़ी की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा। फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ, ओ की कोई मात्रा नहीं होती। ये रही आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटी उ की मात्रा, बड़ी उ की मात्रा, ड़ी की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा। चलिए आज हम लोग अ से अ तक की मात्रा वाले तीन तीन शब्द बनाते हैं। पहले अ, जैसा कि अ का कोई मात्रा नहीं होता, तो देखिए बिना मात्रा वाले शब्द म टड़ मटर, च लचल, ब लबल। आ की मात्रा वाले शब्द है न में आकर नाम, क में आकर काम, र में आकर राम। छोटी की मात्रा वाले, दो में छोटी की मात्रा नौ दिन, क में छोटी की मात्रा, तो में आकर ब की ताप, ह में छोटी की मात्रा ही र न हिरण। बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा में होता है ख में बड़ी की मात्रा, र में आकर खीरा। ल में बड़ी की मात्रा, च में बड़ी की मात्रा लीची, च में बड़ी की मात्रा, न में बड़ी मात्रा चीनी। फिर छोटी की मात्रा से, छोटू की मात्रा से होते हैं शाबुन, साबुन, बुल बुल, सुराही। ठीक है, चलिए अब बड़ी की मात्रा से देखते हैं। बड़ी की मात्रा से होता है फ में बड़ी की मात्रा लौ फूल, ध में बड़ी की मात्रा पौधु, प में बड़ी की मात्रा ज पूजा। आइए फिर ऋ की मात्रा से देखते हैं। ऋ की मात्रा, म में ऋ की मात्रा ग मृग, क में ऋ की मात्रा आधा पेट कटा मूर्धन्य ष अड़ा कृष्ण, क में ऋ की मात्रा पेट कटा मूर्धन्य ष में छोटी की मात्रा कृषि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए की मात्रा से होता है क में एकार, ल में आकार केला, म में एकार, ल में आकार मेला, र में एकार ल रेल। ए की मात्रा से, ए की मात्रा से प में ए की मात्रा, ष में आकार पैसा, ब में ए की मात्रा ल बैल, म में ए की मात्रा ल मैल। ओ में ओ की मात्रा से त में ओकार, त में आकार तोता, ढ में ओकार ल ढोल, ख ड ग में ओकार तालबस खरगोश। अ की मात्रा से ब में ओ की मात्रा, न में आकार बौना, म में ओ की मात्रा ज मौज, फ में ओ की मात्रा, ज में बड़ी की मात्रा फौजी। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोगों के बुक में जो दिया हुआ है उसको ठीक से पढ़िएगा। पढ़ने के बाद, इन सबों को प्रैक्टिस करने के बाद, आपको करना है बिना मात्रा वाले पांच शब्द लिखना है। ठीक, कैसा? ये मटर, चल, बल, ये बिना मात्रा वाले ऐसे पांच अन्य शब्द लिखना है, और प्रत्येक स्वर की मात्रा से दो दो शब्द लिखो। जो मात्राएं मैंने सिखाई गई, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी उ की मात्रा, डी ए ए ओ अ, इन सभी मात्राओं से आपको दो दो, इन शब्दों के अलावा दो दो अन्य शब्द लिखना है। ठीक है, बाय एवरीवन।